राजौड़ विधायक जयवर्धन सिंह ने पत्रकार वार्ता के माध्यम से कहा है कि प्रदेश के सभी बेरोजगारों को भले ही शैक्षणिक योग्यता ज्यादा ना हो, उन्हें कम से कम 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा। ये सोचने लायक बात है कि पुरानी सरकार के द्वारा कांग्रेस सरकार कुछ भी फ्री में देने को नहीं चाहती। वहीं जयवर्धन सिंह के कहने से यह साफ जाहिर होता है कि बेरोजगारों को काम करना होगा, जिसके बदले उन्हें पैसा दिया जाएगा। वहीं पहली बार झंडा वंदन करने के प्रश्न पर उन्होंने कहा कि उनके लिए तो ये गर्व की बात है। वहीं कांग्रेस सरकार के सभी मंत्रियों के लिए भी गर्व की बात है, क्योंकि 15 साल बाद कांग्रेस शासित मंत्री झंडा वंदन कर रहे हैं। वहीं किसानों के नाम से फर्जी लोन लिए जाने के प्रश्न के बारे में उन्होंने कहा कि जो भी अधिकारी इसमें लिप्त है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा और उन सभी पर कार्रवाई होगी। वहीं जयवर्धन सिंह ने यह भी माना कि हर जिले में कुछ न कुछ ऐसे मामले जरूर हैं जहां अधिकारियों ने साठगांठ के द्वारा किसानों के नाम से फर्जी लोन ले रखे हैं। आप लोग जुट गए हैं, अब क्या तैयारी आगे? अब बहुत कम समय बाकी है लोकसभा के लिए, लेकिन जहां तक जो मुझे दिख रहा है कि क्योंकि इतनी तेज गति में माननीय मुख्यमंत्री जी कमलनाथ जी की सरकार ने हमारे वचन पूरे कर रहे हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश में पूर्ण बहुमत कांग्रेस पार्टी को मिलेगी और पूरे देश में भी राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। ये आप सुना होगा मेरे भाषण में, हमने ये वचन दिया है कि जो भी ऐसे बेरोजगार युवा हैं उनको हम साल में 100 दिन का हम उनको रोजगार प्रदान करेंगे। पहले ये सिर्फ नरेगा के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में होता था, लेकिन हम इसमें अन्य अलग प्रकार के उनके लिए काम बनाएंगे। जो भी कुछ काम शहर के होते हैं उनमें इनको जोड़ेंगे और कम से कम 100 दिन का उनको इसमें काम देंगे, जिसके द्वारा जो ऐसे युवा हैं जो शिक्षित हो, चाहे उनकी पढ़ाई थोड़ी कम हो, 10वीं 12वीं पास हो, लेकिन 24-25-26 साल के हो और फिर भी रोजगार घूम रहे हो, तो ऐसे युवाओं को रोजगार देने का हमारा वचन था और हमने आज वचन पूरा किया है। हाँ, मेरे लिए प्रथम बार था, लेकिन उससे बड़ी बात जो है कि 15 साल बाद एक कांग्रेस के मंत्री ने गुना में और प्रदेश के हर जिले में मुख्य अतिथि के रूप में गणतंत्र दिवस का ध्वजारोपण किया और हम सबके लिए बहुत गर्व की बात है, खुशी की बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो संदेश हमने आज पढ़ा है माननीय मुख्यमंत्री जी का, उसमें जो हमारे वचन थे वो पूरे हो रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि जो हमने वचन किए हैं वो हर घर तक पहुंचेंगे और कहीं ना कहीं हर घर के हर परिवार के सदस्य को उसको लाभान्वित होंगे। दिन निकल रहे हैं और ज़्यादा दिया, बहुत गड़बड़ हो रही है ग्वालियर और कई अन्य जी। देखिए, अनियमितता तो सामने आई है जी, जी। लेकिन मूल बात ये है, गड़बड़ कब की है? पिछले 15 साल की है। तो स्वाभाविक है, अगर हम इतने बड़े स्तर का एक योजना का हम क्रियान्वयन कर रहे हैं तो इसमें जो भी कुछ भाजपा सरकार ने गड़बड़ियाँ कराई थी सहकारी बैंकों में और ये सब सामने आ रही हैं, इसका हम इसकी जांच होगी। वो तो मैं देखिए, कहीं ना कहीं 1-2-3 केस हर जिले में है। मैं प्रभारी मंत्री राजगढ़ और आगरा का हूँ, मैंने वहाँ पर समीक्षा बैठक ली थी 2-3 दिन पहले, तो वहाँ पर भी कुछ केसेस ऐसे सामने आए थे। मंत्री जी, ग्वालियर के अंदर तो मेरे ख्याल में एसआईटी कर बहुत एसआईटी बहुत बड़ा ये चीज निकली है ग्वालियर संभाग। देखिए, इतना गंभीर विषय है क्योंकि उनने लिया नहीं है उनके नाम से, तो कहाँ कितने दस्तखत किए, कितने लिया, ये सब एक जांच का विषय है। क्या जांच करवाएंगे? बिल्कुल होगी। मैं कल माननीय मुख्यमंत्री जी का इंटरव्यू सुन रहा था छिंदवाड़ा में, उनने भी स्पष्ट कहा है कि इस पे पूरी जांच होगी और जिसने भी भ्रष्टाचार किया है उनको जो भी सजा होगी उनको दी जाएगी।